हो तुम? कौन हो? कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये क्वेश्चन तो हम ही तुमको पूछ सकता है। तुम कौन है और इधर क्या करता है? ये मेरा स्टेशन है और मैं एएसपी अदिति शर्मा हूँ। ये तुम्हारा स्टेशन नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। हम प्रोफेसर चटर्जी हैं और हम इधर विक्रांत को मिलने को आए हैं। किधर किधर है वो? विक्रांत यहाँ पर नहीं है। आपको विक्रांत से क्या बात करनी है? अरे विक्रांत यहाँ नहीं है मतलब What a strange man. तुमको मालूम है हम उसको कितने दिन से continuous 24 hours non-stop phone करता है, वो हमारा phone उठाता ही नहीं है। आप उसे 24 hours non-stop call करते हैं? हे भगवान, अरे हमारा मतलब है जब हम सोता नहीं है, जब हम खाता नहीं है, जब हम पीता नहीं है और जब हम क्लास में पढ़ाता नहीं है तब हम उसको कॉल करता है, समझा? तो प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। विक्रांत किधर है हमको बताओ, हमको उसको मिलना है। देखिए विक्रांत की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उससे जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। हम बोला था पहले वो शिवा नहीं चला गया, अब विक्रांत का तबीयत ठीक नहीं है। आई टोल्ड हिम, आई वॉर्न्ड हिम कि ये सिंबल बैड न्यूज है, इससे दूर रहना अच्छा है। देखो तो आपको इस सिंबल्स का मतलब पता चल गया? ये हम तुमको क्यों बोलेगा, ये हमारा विक्रांत का शिवानी का सीक्रेट है। प्लीज सर आप मुझ पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, यू लुक लाइक अ गुड पुलिस ऑफिसर और रात को इधर अकेला काम भी करता है, ठीक है, हम तुमको बताएगा। थैंक यू सर। तो हम तुमको क्या बोलता है कि ये जो सिंबल है ना ये बहुत ही बैड न्यूज है, इसके बारे में जितना पता करो उतना ही कम है, लेकिन फिर भी हम जितना पता किया उससे ये मालूम होता है कि ये बहुत ही एंशिएंट है। कितना एंशिएंट ये हम तुमको एग्जैक्टली नहीं बोल सकेगा, लेकिन ये ब्राह्मी नहीं है, हमको लगता है ये कोई ब्राह्मी को तोड़ा मरोड़ा है। हाँ तो क्या हो सकता है इसमें? बहुत ही डरावना हो सकता है। हाँ इसके बारे में जितना कम पता हो उतना ही अच्छा है, फिर भी हम बहुत लोगों को ये दिखाया, बहुत लोगों को ये पूछा है, तो फिर हमको एक टाउन का नाम मालूम हुआ जहाँ ये सिंबल है। कौन सी जगह है वो? वो मिडिल ऑफ इंडिया में है, उसका नाम है हाँ बेतपुर। ये फोटोग्राफ देखो, ये फोटोग्राफ। अरे उधर के लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि उनके टाउन में एक हिस्ट्री से भी पुराना हिस्ट्री है, लेकिन हमको मालूम था कि ये सिंबल वही है। देखो ये पत्थर देखो, ये तो वही सिंबल है। Exactly. इसीलिए तो हम बार बार विक्रम को फोन कर रहा था। थैंक यू मिस्टर चटर्जी। नो प्रॉब्लम। हाँ अदिति। सॉरी सर मैंने आपको मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम, बोलो।
सर मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना है। Am I dreaming आदिति? तुमने आज तक तो कभी छुट्टी की बात की नहीं, एकदम से क्या हुआ? सर छुट्टी नहीं, मुझे वैदपुर नाम की एक जगह पे जाना है जहां मुझे उस सिंबल्स के बारे में सॉलिड लीड मिली है। वैदपुर, इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हें वैदपुर जाने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अभी अभी हमारे पास वैदपुर का ही एक केस आया है। ओ, केस क्या है सर? तुम खुद जाकर पता कर लो। विद्या मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस चीज ने मेरा घर तक पीछा किया। उसकी हंसी मुझे अभी तक याद है, बहुत जानी पहचानी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोसी है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है वो चीज सिर्फ मेरा पीछा कर रही। विद्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो दिखने में कैसा था? मैम वो बहुत डरावना है, लंबा सा था, जानवर जैसा था, जानवर की तरह चल रहा था, दिखता इंसानों जैसा था, बहुत फुर्तीला था, तेजी से घर के अंदर भाग कर आ गया। उसका शरीर ढका हुआ था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। मैम पानी पी सकते नहीं सब। विद्या तुम मुझे उस चीज के बारे में और डिटेल दे सकती हो? मैं बहुत डर गई थी, मैं समझ गई थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और फिर अचानक से वो हंसने की जगह रोने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो वो वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। विद्या मुझे लगता है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी फैमिली में कोई है जो यहाँ तुम्हारे साथ रह सके? मैम मेरी फैमिली के लिए मैं अब एग्जिस्ट नहीं करते। ये फोटोज जो आप देख रहे हैं माधव है। मेरी फैमिली को लगता था कि माधव से प्यार करना मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है। माधव तो है ना आपके? नहीं मैम, माधव चला गया मुझे छोड़ के। शायद मेरी फैमिली ठीक कहती थी माधव के बारे में। यू नो व्हाट, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि माधव ऐसे कैसे जा सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे माधव को गए हुए कितना टाइम हुआ? 6 महीने। विद्या अभी तुम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, उससे मेरे इन्वेस्टिगेशन में भी आसानी हो जाएगी। हम इससे बड़ी हेल्प तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। थैंक यू। हेलो सर। हेलो अदिति, कैसे हो? आर यू फाइन? यस सर। तुम्हारा फोन काफी देर से ट्राई कर रहा था मगर लग नहीं रहा था। सर वो शायद नेटवर्क की वजह से। उस लड़की से मिली जिसने वो क्रीचर देखा था? हाँ सर, मैं अभी उसी के घर रुक रही हूँ, शायद उससे पता लगा पाऊँ कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। ओके। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो अदिति। आप प्लीज विक्रांत का ध्यान रखना। आदिति तुम विक्रांत की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। ओके
You sound very tired. हाँ सर, शायद थोड़ा थक गई हूँ उसकी वजह से. मैं आपको केस के बारे में इन्फॉर्म करती रहूँगी. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके ओके सर, जय हिंद. जय हिंद मैडम. जय हिंद. आइए, मैं रोशन तिवारी, यहाँ का इंचार्ज. बैठिए बैठिए ना. विद्या की केस फाइल दिखाइए. जी, ये लीजिए. तिवारी जी, आप तो यहाँ पे सालों से काम करते हैं, आपने इससे पहले ऐसी कोई वारदात देखी या सुनी है? देखिए मैडम, बुरा मत मानिएगा, ऐसी बातें सुनकर आपको यहाँ इतनी दूर आना ही नहीं चाहिए था. अरे वो लड़की अपने मन से बातें बना रही है. बिना छानबीन के आप नतीजे पे कैसे आ सकते हैं? देखिए आप गलत समझ रही हैं मैडम, ऐसी लड़कियाँ पहले प्यार के लिए घर से भाग जाती हैं, फिर यार भाग जाता है, उसके बाद पागल हो जाती हैं. हमारी संस्कृति के हिसाब से लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ, अब ये तो पाप है ना. और अब जो ये नई संस्कृति शुरू हुई है मैडम, और इसने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया है. तिवारी जी, आज से आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन अपने पास ही रखेंगे. अरे वो ओपिनियन नहीं मैडम, ये तजुर्बा है. आप हमें देखिए, हमने अपने माँ बाप के पसंद से शादी की, देखिए कितना खुश है. अपनी धर्म पत्नी से पूछ के देखेगा कितनी खुश है वो, शायद जवाब मिल जाएगा. और अब जितना मैं पूछूंगी आप उसी का जवाब देंगे. जी मैम. इससे पहले इस गांव में ऐसा कोई जानवर या चीज देखी गई है जैसा कि विद्या ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है? हाँ, पहले भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली हैं. कुछ लोग कहते हैं कि इंसानी जानवर है. तो आपने कोई एक्शन लिया? मैडम हमें तो ये सब नाटक ही लगता है. जिन लोगों ने ये इंसानी जानवर को देखा है उनमें से ज्यादातर लोग या तो शराबी हैं, या भिखारी हैं, या पागल हैं. ठीक है, मुझे उन सबके नाम और एड्रेस चाहिए. अरे मैडम, ये शराबी और भिखारी के नाम पता कौन लिखता है? भारतीय संस्कृति को फॉलो करते करते आप पुलिस संस्कृति भूल गए तिवारी जी. आपका काम है कंप्लेन लिखना, इतना भी नहीं हूँ आपसे. सॉरी मैडम, मैं आज ही उन सबका नाम पता ढूंढ कर आपको दे दूंगा. मैं आपसे वादा करता हूँ. बेटर, मेक इट क्विक. चलो राम राम, कल समय पे मिलना, ठीक है?
ये जो सिंबल है ना, ये ब्राह्मी नहीं है। हमको लगता है ये कोई ब्राह्मी को तोड़ा मरोड़ा है। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे सब कुछ है। चले जाओ वरना पीलिया बनाएगा, सब मिल जाएगा। वनराज ही खड़े रहो, नहीं तो गोली चला दूंगी। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो कौन है आप और मुझे यहां पर क्यों लाए? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे? वैदपुर में तो वैसे भी कोई बाहर का नहीं आता है, और इस जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं। आपसे मतलब? और आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए? कौन है आप? मैं वो हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। ये निशान यहाँ पर कैसे है? तुम इन निशानों को कैसे पहचानती हो? मुझे पता था कि कभी ना कभी कोई ना कोई इन निशानों को ढूंढते हुए जरूर आएगा। क्या आप इन निशान का मतलब मुझे बता सकते हैं? इन निशानों के बारे में मेरी खोज जारी है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, बुराई भी इनसे डरती है। इन निशान का कोई तो मकसद होगा ना? ये इंसानों से भी पहले की चीजें हैं, हम इनका मतलब नहीं समझ सकते हैं। और ऐसे और दो सिंबल्स भी हैं। बाकी के दो निशान कहाँ हैं? उसकी खोज भी जारी है बेटा। और अगर ये सारे निशान मिल गए तो क्या होगा? पता नहीं, शायद सृष्टि की सारी शक्तियां उनमें समा जाएंगी। मुझसे बात करके तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अच्छाई और बुराई के बीच में जंग चल रही है, और हम उस बीच में फंसे हुए हैं। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन ये निशान वैदपुर में क्यों है? इसका भी कोई ना कोई कारण होगा ना? तुम्हारे सवाल का जवाब इस किताब में है। ये वैदपुर के बारे में है, लेकिन उस वक्त वैदपुर का नाम कुछ और हुआ करता था। और तुम्हें पता है उस वक्त और क्या हुआ था? उस युग में पहली बार रावण ने वैदपुर की धरती पर कदम रखा था।
तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखो। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या में इतनी सारी कठिनाइयां आई कि वो अपने मौत के बहुत करीब आ गया। तब प्रभु शिव आए और उसे वरदान दिया जो वो चाहता था। रावण ने उस वरदान का दुरुपयोग किया, इसीलिए राम को धरती पर आना पड़ा उसका विनाश करने के लिए। लेकिन उस युग में एक प्रभु के वरदान को सिर्फ दूसरे प्रभु खत्म कर सकते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जो भी रावण बनकर आएगा ना, उससे बचाने के लिए और कोई नहीं आने वाला। और इस युग में सबसे डराने वाली बात तो यह है कि एक रावण नहीं, हजारों रावण खड़े हो जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? आप यहां पर? धर्म से पहले होता है कर्म, जो तुम्हारे बिगड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मैं है नहीं, और वक्त तुम्हारे पास बचा नहीं। आप चिंता मत करिए, मैं बहुत सारे लोगों में फैला दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं तुम्हें दूसरी गलती करने का मौका दे दूंगा। मुझे समझ में नहीं आई, आप इस जंगल के बीच में अकेले क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूं, अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश। जैसे बुरी शक्तियां कमजोरों को गुलाम बना देती हैं, वैसे ही मैं अच्छे लोगों को ढूंढकर मित्र बना देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम यहां क्या कर रही हो, क्या ढूंढने आई थी यहां? मैं और मेरे पार्टनर एसीपी विक्रांत, हम दोनों मिलकर ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हमारे कुछ केसेस में तो हमने इन सिंबल्स को भी देखा है। फिर मुझे वैदपुर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ चली आई। मुझे एक और बात जाननी थी आपसे, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूं और ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? हाँ तिवारी जी। मैडम आपको आना पड़ेगा, यहाँ एक मर्डर हो गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। मेरे पास और भी बहुत सवाल है और मुझे लगता है उनके जवाब मुझे आपसे मिलेंगे। मैं आपके पास फिर आऊंगी। ऐसा होते हुए तो पहले कभी नहीं देखा, कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये सब कुछ।
मैडम ये भी विटनेस ही था। विटनेस की लिस्ट रेडी है? ऑलमोस्ट रेडी, कल तक आ जाएगी। ठीक है। इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उसमें से ज्यादातर लोग मिसिंग हैं और दो लोग मर गए हैं। इन सब के पीछे जो भी है उसे बहुत जल्दी पकड़ना होगा। आखिरी नाम कपिल का है, कपिल का घर कहाँ है? हाँ विद्या बोलो। ठीक है विद्या, मैं अभी वहां आती हूँ। चलो तिवारी, विद्या के घर जाना। क्या हुआ विद्या? मैम वो फिर से आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे पीछे पड़ा क्यों हुआ है। इस बार तो मैंने उसके ऊपर रॉड से हमला किया तो वो डर के भाग गया, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? विद्या विद्या शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, काम डाउन। कैसे काम डाउन, कैसे शांत हो जाओ? इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगर अगली बार नहीं बची तो क्या होगा? विद्या वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? विद्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। अदिति मैम एक मिनट, जरा बात करनी है। क्या हुआ तिवारी जी? वो एक फोन कॉल आया था अभी, वो कपिल को। क्या हुआ कपिल को? उस लिस्ट में आखिरी था। आसपास के लोगों ने कुछ देखा? जी मैडम, एक पड़ोसी है, उसका कहना है कि उसने एक इंसानी जानवर को घर में घुसते हुए देखा था। समझ में नहीं आ रहा क्या कनेक्शन हो सकता है इन सब का, क्यों पीछे पड़ा है वो इन सब के, और वो विद्या को क्यों नहीं मार रहा? अरे मैडम हो सकता है इन सब के पीछे विद्या ही हो, वही डायन हो और वही सबको मार रही हो, अपने आप को बचाने के लिए खुद पे अटैक करवा रही हो। थ्योरीज तो बहुत हो सकती है तिवारी जी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विद्या सच बोल रही है। आप एक काम कीजिए, एक आदमी के बारे में पता कीजिए, माधव। माधव
वो विद्या का बॉयफ्रेंड। हाँ, विद्या ने कंप्लेन लिखवाई थी ना कि माधव गायब हो गया है। अरे मैडम, वो शराब और जुआ, मतलब वो गलत कामों में था, और कुछ मर्द होते ही ऐसे हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था मैम। तिवारी जी, अब मैं जितना कहती हूँ आप उतना ही करेंगे जी। माधव के बारे में पता कीजिए, वो लास्ट कहाँ दिखा था। हो सकता है कि माधव का गायब होना और विद्या पे अटैक होना, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो। विद्या, मुझे ये जानना था कि माधव शराब और ड्रग्स में इन्वॉल्व था। मैम, माधव और मेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और उसकी कोई जॉब भी नहीं लग रही थी, और ऊपर से उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इसलिए माधव शराब पीने लग गया था। वो गायब कैसे हुआ? जिस रात माधव जाने की जिद कर रहा था, उससे मैंने उसको बहुत रोका, काफी मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया, लड़ाई की, और वो चला गया, वापस ही नहीं आया। अच्छा विद्या, मुझे एक बात बताओ, तुम इनमें से किसी को पहचान सकती हो? ये तो तुम जानती हो इसे? हाँ मैम, ये वो ही है जो माधव को ड्रग्स दिया करता था। तिवारी जी, पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं ड्रग जरूर मिलेगा। मैडम ये देखिए, ये मिला है, ये हमें राम सिंह की जेब से भी मिला था। ये तो ड्रग्स है। मुझे लगता है कोई है जो ड्रग यूजर्स और डीलर्स को मारना चाहता है। हमें एक बार विद्या से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इसे लैब में भिजवा दीजिए। मैडम यहाँ पुलिस स्टेशन इतने कम है तो लैब कहाँ से रहेगा? यहाँ लैब है ही नहीं, इसे लखनऊ भेजना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे लखनऊ भिजवा दीजिए, और एक बार दोबारा से घर की ठीक से छानबीन कर लीजिए, हो सकता है कुछ और मिल जाए। जी विद्या।
विद्या, ये माधव है। माधव, 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 मैंने माधव को मार दिया। मैंने अपने माधव को नहीं, विद्या तुमने कुछ नहीं किया। विद्या तुम्हारे वाला माधव नहीं रहा था, ये बुराई पे चलने वाले लोगों का माधव था, जो अच्छाई को खत्म करना चाहते थे। मेरा माधव कभी गलत नहीं करता। विद्या, ये सिर्फ शुरुआत थी, इसका अंजाम बहुत बुरा होता। तुमने भले ही माधव को मार दिया, लेकिन तुमने बहुत सारी जिंदगियां बचा ली है। और शायद माधव भी यही चाहता था। माधव में अच्छाई और सच्चाई दोनों थी, इसीलिए उसने तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाई। शायद वो चाहता था कि उसे तुम्हारे हाथों से मुक्ति मिले, इसीलिए वो बार बार तुम्हारे पास आता था अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। नहीं विद्या, इसके आगे मत जाइए, सेफ नहीं है। तिवारी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तुम स्टेशन जाओ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरा आपसे मिलना उसके पीछे कोई वजह जरूर है। आपस में मिलने वाले लोगों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? आप उन्हें जानते हैं जिसे यहाँ के लोग इंसानी जानवर कहते हैं, जो रेंगते हुए आते हैं और उनके चेहरे की जगह सिर्फ परछाई होती है। इसका मतलब ये सब शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया? शैतान वापस आना चाहता है और इस दुनिया के कुछ लोग उसे वापस आने दे रहे हैं। कौन लोग? वो लोग जो अंदर से बुरे हैं, और जो लोग बुरे नहीं हैं, उन्हें वो शैतान कुछ ना कुछ लालच देके फंसा देता है। और जो लोग लालच में नहीं फंसते हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या? हालात अब और बिगड़ने वाले हैं, एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे। तुम उम्मीद मत हारना, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की होती है बेटा। लेकिन ये बुराई है क्या, और ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये तो मुझे नहीं मालूम बेटा, लेकिन तुम हमेशा अच्छी ताकतें अपने आसपास पाओगी। अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। इसका मतलब है कि जो लोग वो हरा ड्रग लेते हैं वो लोग बुरे हैं? दोनों बातें हो सकती है बेटा, एक की वो बुरे बन चुके हैं और दूसरी की उनकी अच्छाई उन्हें बुरा बनने से रोक रही है। इसका मतलब है कि माधव, जैसे मैंने कहा, अपने आसपास चीजों को वैसे मत देखना जैसी वो दिखती है।
बच्ची का मुझसे मिलना यूं ही नहीं था, वो बस उस किताब को मुझ तक पहुंचाने का एक जरिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे आसपास ही होगा। हो सकता है कि विक्रांत की इस हालत का समाधान भी उसी किताब में हो। ये तो काम कर रहा है, शायद विक्रांत का पूरा नाम इस किताब में लिखने से हो सकता है कि उसके ऊपर जो श्राप है वो खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि वैद्य जी सही कह रहे थे,